ونصلي على رسوله الكريم اما بعد स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के जिम्मेदारान कारपोरेटर हजरात शहर की महल्ले की समाजी तालीमी माशी दीगर अहम शख्सियत आज का हमारा ये जलसा 20 मई 2024 के लोकसभा इलेक्शन के सिलसिले में लिया गया है। आज इस वक्त तो पटाखाबाजी का मौका नहीं है और जिस तरह ये पटाखाबाजी की जा रही है अगर महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओ जीत करके आती और जश्न फतह का जलसा होता तो इसको किसी हद तक दोबारा किया जा सकता था। आज तो ये इंतखाबी जलसा है और इस इंतखाबी जलसे में पटाखाबाजी की क्या तुक है ये तो मेरी समझ से बाहर है। आज इस जलसे का एक एक मिनट हमारे लिए अहम है। हमारे इस स्टेज पर इलेक्शन के ताल्लुक से बेदारी की बात लाने के लिए गुफ्तगू करने के लिए बड़े अहम अहम शख्सियात मौजूद हैं लेकिन हम उन्हें मौका नहीं दे सके और जिन लोगों ने गुफ्तगू की उन्होंने मुख्तसर अंदाज में अपनी गुफ्तगू की है। आज मैं आज से ये कहना चाहता हूँ कि आज का ये इलेक्शन जो 20 मई 2024 का होने वाला है पांचवा चरण है पांचवें मरहले का है उसके बाद दो मरहले के इलेक्शन और बाकी हैं। इन दो मरहलों के इलेक्शन के बाद 4 जून को रिजल्ट आना है। फौरन देख तो जरा मैं ये गैर जरूरी आवाज बंद करें संजीदा गुफ्तगू है। आज इस वक्त मुल्क और मुल्क में मुसलमान खास तौर पर और दीगर अकलियतें जिस दौर से गुजर रही हैं ये इंतहाई संगीन मौका है। ये दो विचारधाराओं का टकराव है। एक तरफ नफरत का माहौल है और एक तरफ मोहब्बत की बात की जा रही है। आज ये मौका ये इलेक्शन हम लोगों के लिए जियो या मरो का मौका है। हमें आज हिंदुस्तान के इस इलेक्शन के मौके पर हम नहीं कहते ये कहा जा रहा है दीगर तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से कि अगर इस इलेक्शन में तीसरी मर्तबा बीजेपी कामयाब होकर के आती है तो इस मुल्क से संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा और एक नया कानून बनाया जाएगा जिसमें माइनॉरिटीज के लिए जिसमें अकलियतों के लिए और मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं होगी। हमें वोट देने के हक से महरूम कर दिया जाएगा और इस मुल्क में यकसा सिविल कोड लाने की कोशिश की जाएगी। यकसा सिविल कोड का मतलब ये है कि आपकी शरीयत आपका दीन लपेट कर रख दिया जाएगा और इस मुल्क में आज जिस तरह संविधान के तहत हमें मस्जिदें बनाने की मदरसे बनाने की और अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल करने की जो हमें इख्तियार दिया गया है हक दिया गया है वो हक छीन लिया जाएगा। आप जिस तरह मस्जिद बना करके अजान दे लेते हैं मदरसे बना करके अपने दीन की हिफाजत और सियानत के लिए उलमा हुफाज तैयार कर लेते हैं आज जिस तरह अपने दीन की दावत और तबलीग के लिए हर मुसलमान आज़ाद है ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी। आज इंतहाई संगीन मोड़ पर आ चुके हैं मुल्क भर के अकाबरीन उलमा मिल करके उन्होंने मुत्तफ़िका फैसला किया है कि किसी भी कोई
कोई भी सेकुलर उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो बीजेपी के मुकाबले में जीतने की हैसियत रखता हो और ताकत से मुकाबला कर रहा हो तो आप उसको वोट दें, ये ना देखें कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। आज हमने आज धुरिया मालेगांव लोकसभा इलेक्शन में बहुत सारे लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं, ऐसे लोग भी उम्मीदवारी कर रहे हैं जिनकी हैसियत अपने वार्ड में जीरो है, जो अपने वार्ड का इलेक्शन नहीं जीत सकते, जिनको हार जाने का 100% जाती तौर पर यकीन है लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई अपना जमीर बेच करके इलेक्शन लड़ रहा है, जिनके पास 2-5 हज़ार रुपये नहीं होते थे आज लोगों को 3-3, 5-5 सौ रुपया देकर रैली में निकाला जा रहा है। सवाल ये है कि उनके पास ये पैसा आया कहाँ से, बड़े बड़े स्टेज लगाए जा रहे हैं। मैं आज इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि जब मॉब लिंचिंग हो रही है, यक्षा सिविल कोड नाफिस करने की बात की जा रही है, हमारी माँ और बहनों को बेपर्दा करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जब मस्जिदों पर दरगाहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और जब हमारी आवाज़ जो लोग हैं उन लोगों को चुन चुन करके ख़त्म किया जा रहा है, ऐसे संगीन मौके पर हमारे उलमा ने ये बात कही है कि आज हमारे पास वोट ही एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से हम फिरका परस्तों को इक्तदार से रोक सकते। मालेगांव शहर बेदार लोगों का शहर है, मालेगांव शहर मजहब से मोहब्बत रखने वालों का शहर है, मालेगांव शहर मुल्क के विचारधारा, मुल्क के संविधान और मुल्क के आईन से मोहब्बत करने वाला शहर है। हमारा ये शहर अपने मुल्क से मोहब्बत रखता है। हम ये चाहते हैं कि जब ये देश गुलामी से निकल करके आज़ादी में आया, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस तरह लाखों लोगों की कुर्बानियों के साथ, मुल्कों की आज़ादी के साथ जो उसूल, जो कानून, जो संविधान हमें मिला है, आज उसको मिटाने की, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मौके पर हमारे उलमा ने कहा है कि वोट देना हमारी शरी जिम्मेदारी है, और अगर कोई शख्स वोट देने की हैसियत में था और उसने वोट नहीं दिया तो वो गुनहगार है। आज हमारी शरीयत, हमारा ईमान, हमारी मस्जिदें, हमारी दरसगाहें, हमारी दरगाहें, हमारे कब्रस्तान, हमारे औकाफ, ये सब कुछ दांव पर लगे हुए हैं। आज इन सब को जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मौके पर हम में के हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो वोट खुद भी दे और वोट दिलवाए भी। मैं आप पिछले जलसे में मैंने ये बात कही थी कि वोट देना हमारा हिंदुस्तानी होने का सबूत है कि हम हिंदुस्तानी हैं, वोटर लिस्ट में हमारा नाम है और हम वोटर हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी है, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। पिछला इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा हार और जीत होती है इलेक्शन में, लेकिन इलेक्शन में जो लोग हारे थे उन्होंने वोटर लिस्ट को निशाना बनाया। आज जब वोटर लिस्ट हमारे सामने आई तो उसमें तकरीबन 35 से 40 हज़ार वोट कट गई है। एक आम शिकायत है कि घर में 8 वोट है तो 4 लोगों की वोट कट गई और बाकायदा टारगेट करके वोटें कटवाई गई है। जिंदा लोगों की वोटें कट गई, जो मरहूम थे उनकी वोटें बाकी है। अजीब सूरत हाल है, तो हमारी वोटें कटवाई गई हैं, लेकिन आपको ये एहसास होना चाहिए कि आज ऐसा मोड़ है कि हम मुसलमानों के लिए अपनी शरीयत बचाने के लिए, अपनी शहरियत हिंदुस्तानी होने का सबूत बचाने के लिए वोट देना ज़रूरी था। आज अगर वोट हमारी कट गई है तो हम वोट देने से महरूम कर दिए गए। पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद आपको कोशिश करना है कि आप अपना वोट वोटर लिस्ट में बढ़वा लें, गफलत में ना रहे और वक्त का इंतज़ार ना करें।
बल्कि जिन जिन लोगों के वोट कट गए हैं उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपना वोट बढ़वाने के लिए खुद भी कोशिश करे, और जो लोग ये काम करते हैं वोट बढ़वाने का, वो लोग वोट बढ़वाने का काम खुद करें। आज जब इलेक्शन हमारे सर पर है, ऐसे मौके पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, कहने के लिए बहुत सारी बातें, हमारे शहर के बहुत सारे मसाइल हैं। आज हम कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आज हम असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमने ये सुना उन लोगों की आवाज़ों को जो स्टेज से हमें सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे, जैसे वो असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे। हम किसी का जवाब नहीं देना चाहते, वक्त आएगा इंशाअल्लाह हम सबको जवाब देंगे। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है, अपनी माँ और बहनों से ये गुजारिश है कि 5 साल में एक मर्तबा ये मौका आता है, और इन 5 सालों के आइंदा 5 साल के लिए आपका ये वो वोट राह तय करेगा कि हम तरक्की की राह पर जा रहे हैं, तहफ्फुज की राह पर जा रहे हैं, या तबाही और बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं। मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि एक दिन के लिए आप अपना कारोबार बंद करें, आप खुद भी वोट दें और वोट दिलवाने की पूरी कोशिश करें। ताली वगैरह ना बजाएं, आप बात सुने, कारोबार बंद करें, खुद भी वोट दें और दूसरों को ले जा करके उनका वोट दिलवाने की भी कोशिश करें, और सुबह सवेरे से अपना ये काम शुरू कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बरकतु फिल बुकूर, के सुबह के अव्वलीन वक्त में बरकत होती है, और हम लोग सोए होते हैं। हमारी तबाही और बर्बादी के असबाब में एक सबब यह भी है कि जब बरकत रिस्क तकसीम होता है, रिस्क में बरकत के फैसले होते हैं, उस वक्त हम लोग सोए पड़े होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर बात आ गई है, दीन पर बात आ गई है, और उलमा ने कसम खा करके ये बात कही है कि वोट देना हमारा शरी फरीजा है, हम अगर वोट नहीं देंगे तो हम गुनहगार होंगे। इसलिए हम गुनहगार ना हो, इसी के साथ हमें उसको वोट देना है जो जीतने की हैसियत रखता हो। हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे को जिसका ये कहना कि मैं इसलिए उम्मीदवारी कर रहा हूँ कि लोग मैदान छोड़ देंगे, मैं रहूँगा। इसलिए आप, चाहे आपके घर का कोई फर्द हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त और अजीज हो, ऐसे लोगों को वोट दे करके आप अपना वोट जाए और बर्बाद ना करें। एक एक वोट कीमती होता है, एक एक वोट कीमती होता है। वक्त नहीं है, वरना मैं हिंदुस्तान की तारीख बताता कि कितने मकामात और कितने मौके ऐसे थे कि एक वोट की वजह से सरकार गिर गई, एक वोट कम होने की वजह से उम्मीदवार हार गया। इसलिए आप अपना वोट जाए ना हो इस बात का एहतमाम करते हुए शोभाताई बच्चाओं जो इंशाअल्लाह जीतेंगी और जीतने की हैसियत रखती हैं उनको अपना कीमती वोट दे, और पूरी दियानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ एक दिन आप मेहनत कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बचाना है, दीन बचाना है, आपने ये बात कसम खा करके फरमाई है कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मेरे लाए हुए दीन के वो ताबे ना हो जाए। एक जगह आपने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी जान से, उसके माल से, उसके माँ बाप से, उसके अहलो आयाल और दुनिया में जितने लोग हैं उन सब लोगों से ज़्यादा अजीज और महबूब ना हो जाऊँ। आज हमारे दरमियान हमारे आका नहीं है, लेकिन उनकी लाई हुई शरीयत, उनका लाया हुआ दीन और उनकी सुन्नतें आज हमारे दरमियान है। आज मौका ऐसा है कि हम इस मुसीबत में आ गए हैं कि हमें अपने दीन, अपनी शरीयत, अपनी पहचान, अपनी मिल्लत, अपने कौम को बचाने के लिए हमें
नफरत करने वाले और हमारी शरीयत और दीन को मिटाने की कोशिश करने वालों को इख्तदार से बेदखल करना है और ऐसे लोगों को वोट देना और दिलवाना है जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हों और इस मुल्क में रहने वालों से मोहब्बत करते हों और इस मुल्क के संविधान और कानून का पालन करते हों और इस मुल्क के कानून को बाकी रखने की जद्दोजहद और कोशिश करते हों। आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए हो, कहते हैं कि अगर इत्तेहाद हो तो बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दी जा सकती है। रुपये पैसे से इलेक्शन नहीं जीता जाता, इलेक्शन जीतने के लिए दिल का खुलूस चाहिए, लोगों से ताल्लुक और मोहब्बत चाहिए। आज हमारे शहर के बेशुमार मसाइल हैं लेकिन हम कॉरपोरेशन का असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। आज तो हमें अपने मुल्क को और अपनी शरीयत को बचाने के लिए, अपनी शहरियत को बचाने के लिए वोटिंग करना है। इसलिए 20 मई 2024 बरोस पीर सुबह की अव्वलीन सातों में आप निकले, वोट दें, वोट दिलवाएं और दुआ भी करें। इसलिए कि फैसले कहाँ होते हैं? फैसले आसमानों पर होते हैं और फैसले की ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्जे कुदरत में है। अल्लाह से मांगे अपना तहफ़्फ़ुज़, अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़, अपनी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़, अपनी मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़। अगर आप ये चाहते हैं कि कानून संविधान बाकी रहे तो आपको वोट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग में किसी की जान ना जाए तो आपको वोट करना होगा। आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी मस्जिदें और दरगाहें महफूज रहें तो आपको वोट करना होगा। आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों की आबरू और उनका पर्दा और हिजाब बाकी रहे तो आपको वोट करना होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल कर सके तो आपको वोट करना होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये मुल्क टुकड़े टुकड़े ना हो, नफरत का माहौल ख़त्म हो, भाईचारा वजूद में आए तो आपको वोट करना होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो मिलनसारी, जो इंसानियत, जो खुशहाली माजी में थी वो बाकी रहे तो उसके लिए आपको वोट करना है। एक शख्स भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वोट ना दे। आप मेहनत करें, 5 साल में 1 दिन आपको मिलता है। किसी शायर ने कहा है कि तारीख की आंखों ने ये जुल्म भी देखा है कि लम्हों ने सदा की थी, सदियों ने सजा पाई। इसलिए आपको अपना आने वाला मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल और फ्यूचर अगर महफूज रखना है तो आपको वोट देना है। और सेकुलर उम्मीदवार शोभा ताई बच्चाओं को अपना कीमती वोट दे करके कामयाब करना है। अगर मालेगांव की आवाम ने तय कर लिया तो इंशाअल्लाह मालेगांव से 2 लाख से जायद वोटे शोभा ताई बच्चाओं को मिल सकती है और ये 2 लाख से जायद वोटे उनकी कामयाबी के लिए संग मील और बुनियाद की हैसियत रखेगी। मुझे उम्मीद है कि आज शहर का इतना बड़ा जिम्मेदारों का मजमा जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं और आपके दरमियान अपना कीमती वक्त दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आने वाला 5 साल और उसके बाद आने वाले अयाम हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी शरीयत के लिए, हमारी शहरियत के लिए और इस मुल्क की सालिमियत के लिए, इंसानियत के लिए ज़रूरी है। इसलिए आपसे वोट देने की अपील है और मुझे उम्मीद है कि हम सब की आवाज़ सदा बसेरा नहीं होगी, ये आवाज़ सुनी गई है, इंशाअल्लाह इस पर अमल किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए, अपनी शरीयत पर आज़ादी के साथ अमल करने का अल्लाह हमें मौका दे। मैं सभी हजरात का शुक्रगुजार हूँ। एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि हमने शोभा ताई बच्चाओं से किसी तरह का कोई मुतालबा नहीं किया है, कोई डिमांड नहीं की है। हमने कहा है आप हमें 1 रुपया मत दो, हम आपका काम करेंगे। लोग कहते हैं आपने ऐसा क्यों कहा, उन्हें पता नहीं है कि आज कितने संगीन मोड़ पर हम हैं। इसलिए बगैर किसी डिमांड और बगैर किसी मुतालबे के आज हम शोभा ताई बच्चाओं का काम कर रहे हैं और इस बात की वजाहत इसलिए ज़रूरी थी कि किसी तरह की कोई गलत फहमी किसी शख्स को ना रहे कि हम पैसे के लिए ये स्टेज लगाए हैं और पैसे के लिए हमने आपको जमा किया है। बात ऐसी नहीं है। आज हमारी शरीयत और अपनी
अपनी शहरियत बचाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी कोशिशें बार आवर होंगी। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।